तीन बार खान साहब इसको बिल्कुल बड़ा वजाहत कर चुके हैं कि इस बार कोई सूरत नहीं है कि वो उसको मुलतवी करें। लास्ट टाइम भी जो उन्होंने किया था, उन्होंने कहा था कि उनको बताया गया था कि खदशा है लॉ एंड ऑर्डर का, खुदा नखास्ता नुकसान हो सकता है किसी को, तो उन्होंने नुकसान बचाने के लिए और एक पुरमन जलसा करने के लिए उन्होंने वो मुलतवी कर दिया। लेकिन इस बार उन्होंने कहा है कि मेरे पास कोई आए भी ना पूछने कि इसको मुलतवी करना है कि नहीं। मजबूत है और बड़ा ऑनर होगा एक पाकिस्तान के लिए अगर, क्योंकि बड़ी बात है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप अगर वो उनको बनाया जाता है तो, और वो मुंतखब हो जाते हैं तो एक पाकिस्तान के लिए ऑनर होगा। ये सियासत से बाला तर है ये सारा मसला, इसमें कोई ये इशू नहीं है कि कौन सी पार्टी के चेयरमैन हैं या नहीं हैं, ये एक एज ए पाकिस्तानी उनका राइट है। और मेरा ख्याल है जो इतराज़ात उठाए गए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद इतराज़ात हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि हम अपनी ही टांगें खींचते रहते हैं, और ये मेरा नहीं ख्याल कि इतराज़ात को वहाँ की अहमियत दी जाए। मेरा ये अफवाहें हैं, ये तो खबरें जो फेक न्यूज़ जिसको हम कहते हैं वो फैलाई जा रही हैं। पार्टी में होता है कि आपकी मुख्तलिफ राय होती है और आपकी आपस में राय के इख्तलाफात भी हो जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप पार्टी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं या आप एक धड़ा पार्टी के फेवर में और दूसरा पार्टी के अगेंस्ट है। वो अपनी अपनी राय रखते हैं और इशूज़ पे रखते हैं। जिस तरह आप चार वकीलों को इकट्ठा कर लें और आप कहें कि ये केस किस तरह चलना चाहिए, तो चारों वकीलों की भी अपनी अपनी राय होगी। इसका ये मतलब नहीं है कि वो इख्तलाफ है या कोई क्राइसिस है। इसका मतलब है कि मुझे कोई शक नहीं कि हर बार हर अपॉइंटमेंट को, जो हमारी इंस्टीट्यूशनल अपॉइंटमेंट होती है, उसको बार बार एक तरह से मुतनाज़ा बना दिया जाता है। इस बड़ा सिंपल बात है कि आईन कहता है बड़ा वाज़े तौर पे कि सीनियर मोस्ट जज ने बनना है, और हमेशा हमने ये देखा है कि थोड़ी देर पहले, महीना डेढ़ महीना पहले एक नॉमिनेशन हो जाती है ताकि इस किस्म की हवाएँ या कन्फ्यूजन ना पैदा हो। तो उनको जो आने वाले सक्सेसर चीफ जस्टिस हैं उनका नाम मॉडिफाई कर देना चाहिए क्या वो नेक्स्ट चीफ जस्टिस हुआ है। इसको जो नहीं कर रही है हुकूमत, इससे फिर ये सारी कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है कि पता नहीं हुकूमत का क्या मकसद है। क्या हुकूमत समझती है कि नए आने वाले चीफ जस्टिस उनके साथ इंसाफ नहीं करेंगे, इसलिए उनके उनकी ताखीर कर रहे हैं? क्या मकसद है कि क्या हुकूमत चाहती है? ये कंफ्यूजन खुद ही क्रिएशन में एप्लीकेशन फाइल करके या जो है कानून साजी करके तादाद बढ़ाने की बात है, वो तो एक नॉर्मल कानून के ज़रिए हो सकती है। हम उसकी मुखालफत तो करेंगे, लेकिन वो चूंकि मेजॉरिटी उनके पास है तो हो सकता है वो